हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं, 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं पार्लर, और अभी फिलहाल हम पार्लर से आ चुके हैं। और यहाँ पे संपर्क बैठा हुआ है किचन के स्लेब पे, और साधना मिल्क गर्म कर रही है। तो उसका कभी कभी जिद होता है ना कि जब मैं वहाँ बैठूंगा तभी मैं मिल्क पीऊंगा। तो वहाँ बैठ के वो देख रहा है, और मैं इधर बैठी हुई थी फोल्डिंग पे, और यहीं से मैं ये वीडियो क्लिप ले रही थी। और अभी अभी हम थोड़ी देर पहले आए, बट मेरी थ्रेडिंग जो है ना वो नहीं बन पाई थी, बिकॉज़ पार्लर था, बंद था। तो हम वापस चले आए चिप्स वगैरह लेके, और उसके बाद गए थे एक कॉस्मेटिक शॉप पे, तो वहाँ से कुछ हमें लेना था, तो वहाँ से हम लेके वापस चले आए हैं अभी। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। और मैं हाँ दोपहर से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और दोपहर के हो गए अभी 12:30, और जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और इसके पहले मैं गई थी थोड़ी सी, मैं गई थी पार्लर, और लिप्स और थ्रेडिंग दोनों करवाना था, बट बंद था पार्लर। तो उसके बाद से मैं गई थी, ये थोड़े से सामान लेने थे, राखी वगैरह देखी। राखी ऐसे नहीं लेने थे, स्पर्श संपर्क के लिए राखी लेना है, तो वो मैं शाम को जाऊंगी लेने के लिए। और अभी मैं इस पर अभी स्कूल से आया है, तो अभी चिप्स हम लेके आए थे, चिप्स खा रहा था, और उसके बाद दोनों अभी लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं सोचती चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और चलिए फिर। तो यहाँ पे मैं दाल बना ली हूँ, और दाल को मैं निकाल ले रही हूँ एक पतीले में, क्योंकि मैं एक ही कुकर में हमेशा मैं बनाती हूँ। मतलब कभी कभी जब ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं दूसरा कुकर तीसरा कुकर निकालती हूँ, वरना मैं एक ही कुकर में, लगता है कि उसमें बना के और फिर दूसरे पतीले में डाल दो। फिर उसके बाद मैं निकाल रही हूँ राइस, और मैं राइस नीचे वाले नीचे में रखती हूँ। और यहाँ पे मैं स्पॉट से कुछ बोल रही हूँ, वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो कभी कभी ना उन दोनों को फिर बोलना पड़ता है, तब वो जाके शांत होते हैं। तो राइस को मैं इसके बाद वॉश कर लूंगी। और यहाँ पे मैं रखी थी राइस, तो राइस रखी ना उसके बाद ही गैस खत्म हो गया। तो फिर मैं रूम से सिलेंडर को निकाल के ला रही हूँ, और एक्चुअली भारी बहुत होता है, तो मैं खींच खींच के ला रही हूँ, और मेरे साथ है तो मैं इसको अब लगा लूंगी। और एक्चुअली बीच में ही मेरे को पहले पता ही नहीं चला, मैं सोची कि इतना लेट क्यों बन रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसके बाद मैं इस दरवाजे को बंद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्पॉट सारा सामान जाके फैला देता है इस रूम में। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान मैं उस रूम में रखती हूँ, और पूजा का भी सारा सामान हटा देता है, बाकी आलू प्याज वगैरह जो भी होते हैं ना सब कुछ हटा देता है। तो उसके बाद तो ये पोस्टमैन अभी देखी गया है, तो इसमें एक्चुअली राखी है, स्पर्श के लिए राखी आई हुई है, तो मैं अभी इसको रिसीव कर रही हूँ, और मैं इसको लेके जा रही हूँ अभी अंदर। और यहाँ मैं वॉश कर रही हूँ संपर्क के बोतल, और ये एक्चुअली बॉईल कर दिया गया, और पहले सर्फ में भी वॉश किया गया था। और उसके बाद इसके बॉईल करने के बाद मैं सोची कि चलो इसको मैं पानी से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम लंच करेंगे। और अभी थोड़े बहुत बर्तन हैं, मॉर्निंग वाले बर्तन हैं, इस टाइम के नहीं हैं, तो अभी हमें लंच करना है, और उसके बाद इवनिंग टाइम में बर्तन जो है ना वो वॉश होंगे। और सबसे पहले ये बोतल था, तो मैं सोची कि इसको चलो हटा देती हूँ। और यहाँ पे साधना निकालने जा रही है खाना, और हम अभी लंच करने वाले हैं। और यहाँ पे संपर्क और स्पर्श दोनों शैतानी करने में लगे हुए हैं, और यहाँ स्पर्श इस दूसरे वाले सोफे बैठा है, वहाँ संपर्क, तो मैं वो बोतल ला के रख रहा था क्योंकि वो वहाँ पे सोएगा, तो वहाँ से सारा सामान वो हटा देता है। और यहाँ देखिए इन दोनों की मस्ती।
और अभी हम करने जा रहे हैं लंच, और यहाँ पे स्पोर्ट्स और संपर्क दोनों मस्ती कर रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ उनकी मस्ती भी चल रही है। तो यहाँ साधना लेके आ गई है खाना, और हम अभी जा रहे हैं लंच करने, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। Hey guys, और अभी मैं फ्री हो गई हूँ, थोड़ा सा लेटी हुई थी रेस्ट करने के बाद, उसमें फ्री होके मैं जा रही हूँ अभी किचन में गुलाब जामुन बनाने के लिए। और जो मैं लेके आई थी MTR का पैकेट, उसी का मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो मैं पहले आटा वाटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद में फिर सूट करूंगी, क्योंकि स्पॉन्ज जगह हुआ गूंथ लेती हूँ, उसकी जो बॉल्स होते हैं गुलाब जामुन के वो बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। और यहाँ पे मैं ऑयल रखती हूँ गरम होने के लिए, और मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल एक, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ फ्राई होने के। दूसरी साइड में मैंने चाशनी जो आपको मैं दिखाई वो रख दी हूँ, वो बन रहा है। और एक एक करके सारे बाउल्स में एक बार में ही फ्राई कर लूँगी सारे गुलाब जामुन, बिकॉज ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है और इस कढ़ाई में सारे गुलाब जामुन आ भी जाएंगे। तो ऐसे करके और मैं गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा मैं ज़्यादा डार्क करूँगी इस बार, क्योंकि हमेशा का कम हो जाता है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा डार्क करूँ। तो चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, और आप लोग देखते रहिए मैं गुलाब जामुन कैसे बनाती हूँ। और मैं इसकी रेसिपी बहुत बार आप लोग से शेयर की हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ गुलाब जामुन, तो इसकी रेसिपी एकदम स्पेशल से शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पहले भी इस वीडियो को देख चुके हैं। और यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, और यहाँ पे फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं इधर चाशनी बन रही है। और अभी शाम के हो रहे हैं 4:30, तो मैं थोड़ा सा सोची कि चलो मैं फ्री हूँ तो मैं बना लेती हूँ। साधना भी सो रही है, और स्पॉश और संपर्क को मैं दिखाऊँ तो वो दोनों आलू प्याज से खेल रहे हैं, तो मैं सोची बना लेती हूँ, फिर मैं आलू प्याज जो भी है उसको मैं सही कर लूँगी। और देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, धीरे 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 काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। और मैं आज सोच रही हूँ ज़्यादा डार्क इसको करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बनाई थी ना तो थोड़ा सा लाइट हो गया था, बट इस बार मैं ज़्यादा डार्क इसको करूँगी, क्योंकि गुलाब जामुन का कलर लास्ट टाइम मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा सा लाइट मैंने फ्राई कर दिया है, डार्क करूँगी। चलिए मैं बना लेती हूँ, इस फ्राई हो जाएगा फिर मैं डाल दूँगी चाशनी में। चाशनी भी बन चुकी है, मैंने इसमें डाल दिया है इलायची, और बस इलायची डाल दी हूँ, और ये मैं बना रही हूँ रक्षाबंधन के लिए। सो चलिए पहले तो मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे सारे गुलाब जामुन जो थे ना मैं फ्राई कर दी हूँ, चाशनी बन चुकी थी तो मैं उसको बंद कर दी थी पहले ही गैस, और उसके बाद सारे मैं इसमें डालते जा रही हूँ। और एक्चुअली बहुत थोड़ा सा गर्म था, तो इसी मैं बाउल्स में डाल के उसके बाद में डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल के और उसके बाद कर रही हूँ थोड़ा सा मिक्स, और स्मूथ से मिक्स कर देने के बाद ये अच्छी तरह से ना सारा कुछ सोख लेगा जितना भी चाशनी है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढक दूंगी, और सॉरी बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, और इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दूँ। तो फाइनली अभी गुलाब जामुन जो है ना वो बन गया है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये फूला है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चाशनी कम हो गया है, बट बहुत ही अच्छा बना है। मैं गर्म में ही मैं दिखाई थी कि मैं डाल दी थी, और उसके बाद मैं ढक दी थी 15 मिनट के लिए, ढक के छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं जब इसको खोल रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा आज कलर आया है। थोड़ा सा आज मैंने डार्क इसको फ्राई किया था, और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है आज। तो थोड़ा सा मैं नीचे वाला निकाल दूंगी, क्योंकि स्पॉन्ज को तो खाना होगा, वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है गुलाब जामुन। तो ये जो स्वीट्स है ना मैं स्पेशल रक्षाबंधन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो मैं सोची कि आज ही बना ले रही हूँ, कल हमें टाइम नहीं मिलेगा, कल बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, राखी बांधना, तैयार होना, पता नहीं क्या 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 क्या, तो इसी में सोची कि आज मैं बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं जा रही हूँ स्पॉन्ज को देने के लिए खाने के लिए। साधना भी उठ चुकी है अभी, संपर्क देख रहा है मोबाइल, तो चलिए किचन चलते हैं, किचन से बाहर, और मैं इन लोगों को देती हूँ खाने के लिए।
और यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं गुलाब जामुन, और यहाँ पे संपर्क को साथ में खिला रही है, बट उसको गर्म लग रहा था तो स्टार्टिंग में उसने गिरा दिया, बट इस टाइम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं खा रहा है, थोड़ा खा रहा है। और इधर साइड में खिला रही हूँ मैं स्पॉर्च को, और स्पॉर्च को क्या है ना, इतना ज़्यादा फेवरेट है कि गर्म भी रहेगा उसको ठंडा कर करके खा लेगा, ऐसा करता है। और ये मैं 2 गुलाब जामुन लेके आई हूँ स्पॉर्च के लिए, और मैंने हाफ खिलाया था, थोड़ा सा रुक गई इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था, और थोड़ा सा मैं ठंडा कर करके तब उसको मैं खिला रही हूँ। और और साधना है तो इसलिए मैं गुलाब जामुन थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाती हूँ, वरना मैं महीने में एक बार बनाती हूँ। और यहाँ पे आ गए हैं शाम की सब्जी कट करने के लिए, तो यहाँ पे है परवल, तो परवल थोड़ा सा बीच में से थोड़ा थोड़ा ख़राब है, तो उसको साइड करके निकाल रही है साधना, और वो साधना परवल कट कर रही है, और मैं इधर साथ में कुछ और काम कर रही हूँ। तो परवल की सब्जी आप लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, तो परवल यहाँ पर मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो आप यहाँ का परवल देख सकते हैं काफ़ी हार्ड हार्ड दिखता है, बट हमारे घर साइड जो मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, और इसके छिलके जो है ना वो भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और वो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगती है। इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आ जाते हैं, बट होता है ना कि जो मिलता है वही खाना पड़ता है, तो उसी में काम भी चलाना पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे स्पॉन्ज बैठा हुआ है साथ में, उसका हैंड दिख रहा है, तो जब भी सब्जी कट करो आटा गूनो तो वो साथ में आके बैठ ही जाता है हमेशा। मैं भी हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं सब्जी आलू परवल, जो अभी आलू और परवल अभी परवल का साधना करती थी, आलू मैं करती थी, तो यहाँ पे मैं आलू परवल दोनों हल्का सा ऑयल डालती हुई हूँ, दोनों और दूसरी साइड में कढ़ाई रखती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, उसमें मैं प्याज वगैरह सब कुछ डाल दूँगी चॉप करके, और जल्दी बन जाएगा। एक कढ़ाई में प्याज वगैरह सब कुछ डाल ले रही हूँ, और दूसरी कढ़ाई में एक कढ़ाई में प्याज वगैरह सब कुछ भून लूँगी अच्छे से, और इस वाले कढ़ाई में मैं सब्जी भून ले रही हूँ, तो प्याज वगैरह जब सब कुछ चॉप हो जाएगा, टमाटर वगैरह उसके बाद में डालूंगी, फिर उसके बाद मुझे जाना है पार्लर थ्रेडिंग करवाने, जाकर देखती हूँ खुला है कि नहीं खुला है, चलिए फिर भी तब जल्दी से काम कर लेती हूँ मैं। और यहाँ कढ़ाई की दूसरी साइड में मैंने मिर्च डाल दिया था, हरी मिर्च और जीरा, थोड़ा सा हींग वगैरह डालने के बाद मैं ऑनियन डाल दी, मैं जो चॉप करके रखी थी, और उसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, तो थोड़ा सा इसको भूनना ज़रूरी होता है, जब कलर इसका चेंज ना हो जाए, नहीं तो फिर उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। और यहाँ पर मैं टमाटर भी चॉप कर ली थी, उसको भी मैं बारीक चॉप कर ली, और उसके बाद मैं इसको डाल दी, और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, और इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि सॉफ्ट जब हो जाता है ना उसके बाद ही मैं मसाला ऐड करती हूँ। यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दी हूँ जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक हो गया, जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और थोड़ा सा सब्जी मसाला, बस यही मसाले मैं ऐड करती हूँ, गरम मसाला वगैरह बहुत कम डालती हूँ। स्टार्टिंग में मैं दालचीनी और एक बड़ी इलायची डाल देती हूँ, और यहाँ पे परवल और आलू जो भी रहते हैं ना फ्राई हो चुके थे, तो उसके बाद में इसमें ऐड कर दी हूँ। और ये देखिए परवल बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है, रेडिश में हो गया है, कहीं कहीं रेड हो गया है, उसके बाद ये डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, क्योंकि पानी डालना जरूरी है, और मैं थोड़ा सा ये ड्राई वाली सब्जी बनाऊंगी तो मुझे पानी इसलिए डालना है क्योंकि आलू को पकाना जरूरी है, तो ये मैं डाल ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी थोड़े टाइम के लिए, तो 10 से 15 मिनट लगेगा पकने में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो ये लेके आए हैं स्प्रिंग रोल, तो हम चले गए थे पार्लर उसके बाद आए हैं, तो हम अभी खाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। अभी रात के हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, 10:45 हो रहा है अभी, और मैं गई थी शाम को थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो मैंने थ्रेडिंग करवा ली हूँ, और अभी मैं डाल रही थी व्हाइट वाले चने, कल बनाने मुझे छोले तो उसके लिए मैं डाल रही थी, और अभी मुझे बनाना है रोटी, तो आज काफी लेट हो गया है, रोटी नहीं बनाई, सब्जी बन चुकी है, सब्जी मैं शाम को ही बना चुकी थी, तो यहाँ पे सब्जी है
और गुलाब जामुन भी था तो ये नाश्ता कर लिया, और ये लेके आए थे स्प्रिंग रोल तो वो हम खाए थे। और मैं सोच रही चलो अभी इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, फिर इसके बाद कुछ नहीं शूट करूंगी, इसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है कल के लिए। और चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।